गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे. एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद जू जियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट वन. इट्स अ सिलेबस ऑफ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर पेपर एट यूनिट फोर एंड बीएससी थर्ड ईयर पेपर एट यूनिट फोर. जू जियोग्राफी, इसका अर्थ क्या है? जू मीन्स एनिमल्स, जियो मीन्स भौगोलिक, ग्राफी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन. की भौगोलिक आधार पर जंतुओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो फैलाव होता है, वो कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से है. क्योंकि देखिए कि हम पूरे अगर विश्व को देखें या इंडिया को देखें, तो सभी जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही फर्क होती हैं, और उसी के आधार पर वहाँ की वनस्पति या जंतुओं का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो इट्स ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक ओवर द होल वर्ल्ड. तो ये आप समझ जाइए कि जू जियोग्राफी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कि जितने भी प्रकार के जानवर हैं, चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, एक्वाटिक हैं, पूरे विश्व में जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, उसका अध्ययन हम जू जियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं. इसको जो है तीन लेवल्स पे स्टडी किया जाता है. जियोग्राफिकल, जो पूरे विश्व की बात जब हम करते हैं. रीजनल, जो कि एक सिलेक्टेड सेगमेंट्स में हम अध्ययन करते हैं वर्ल्ड के. एंड लोकल, लोकल इज द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पीशीज इन रिलेशन टू ईच अदर एंड इन रिलेशन टू इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इकोलॉजी और इवोल्यूशन जो ये शब्द हैं, ये बहुत ही महत्व रखते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. फिलिप स्क्लैटर 1859 एंड एल्फ्रेड वैलिस 1876 में इन लोगों ने क्या किया था कि जो जू जियोग्राफिक रीजन्स हैं संसार के, उनको छः भागों में बांट दिया गया था. और इनके द्वारा जो छः रीजन बताए गए थे, आज के समय भी वही फॉलो किए जाते हैं. ये छः रीजन कौन कौन से हैं बच्चों? पेलियार्क्टिक रीजन, नियार्क्टिक रीजन, नियोट्रॉपिकल रीजन, एथोपियन रीजन, ओरिएंटल रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन. अब आइए हम इसको संसार के नक्शे में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये रीजन्स डिवाइड हैं और उनके नाम क्या क्या हैं. यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक पिक्चर है वर्ल्ड के मैप का. दिस इज द नियार्क्टिक रीजन, जो ये नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है. और यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है मेजॉरिटी में, ये दिखाए गए हैं इसमें. दिस इज नियार्क्टिक रीजन. देन दिस इज साउथ अमेरिका इज नियोट्रॉपिकल रीजन. देन ये यूरोप एंड रशिया का जो ये पूरा रीजन है, दिस इज पैलियार्क्टिक रीजन. इंडिया इज ओरिएंटल रीजन. अफ्रीका इज अफ्रीकन रीजन. एंड यहाँ पर देख रहे हैं आप ऑस्ट्रेलियन रीजन. इसके साथ आप बहुत ही क्लियर देख रहे हैं कि कौन से रीजन में कौन कौन से एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. नाउ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया कि इंडिया कम्स अंडर ओरिएंटल रीजन. तो आपके सिलेबस में भी क्या है? ओरिएंटल रीजन है. आपको एग्जाम में भी यही प्रश्न पूछा जाएगा. और फिर ये जो ओरिएंटल रीजन है, इसको भी जो है फर्दर सब कैटेगरीज में बांट दिया गया है भारत के अलग अलग रीजन्स के आधार पर. क्योंकि ये तो आवश्यक नहीं है कि जो जंतु हमें दिल्ली में मिलेंगे वो गौमुख में भी मिलेंगे या फिर वो गंगोत्री में भी मिलेंगे. तो इसीलिए उनको जो है सब कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है. राइट, सो इंडिया इंक्लूड साउथ ऑफ हिमालयस, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सुमात्रा, जावा, फिलीपींस एंड साउथ चाइना. तो ये जो है, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लेनी है, एग्जाम में लिख लेनी है. और जो सब डिवीजन है इनका, वो क्या क्या है? इंडियन सब रीजन, इंडो चाइना सब रीजन, सेलोनीज सब रीजन एंड इंडो मलायन सब रीजन. ओके, हियर आर सम एनिमल्स. ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि ओरिएंटल रीजन में पाए जाते हैं. तो ये आपको लिखना है, यही क्वेश्चन का महत्व यही है, जिसमें हमें बताना है कि कौन से रीजन में कौन से जानवर पाए जाते हैं. जैसे गिबन.